सो हैलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ गोइंग टू बी माय एग्ज़ाम रिव्यू. सो मेरा एग्ज़ाम 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट में था, यानी कि आज ही मेरा एग्ज़ाम है. एंड वीडियो आने में थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई बिकॉज कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, बट ड्यू टू एग्ज़ाम मैं उसके बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी. बट मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होगा उससे दिन मैं शाम को उसके साथ कॉफ़ी पे जाऊंगी. सो मैं वहीं से आ रही हूँ जस्ट, और आते ही मैं वीडियो शूट करने बैठ गई बिकॉज मेरे को भी आपको बताने की बहुत ज़्यादा जल्दी है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मॉक टेस्ट ऐप के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि है प्रेप ऐप. इस ऐप में आपको ईयरली पास मिलता है ओनली 299 रुपीज़ में, जिसमें आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर तो मिलेंगे ही, सेक्शनल भी मिलेंगे, बट इनके अलावा आपको फुल मॉक मिलेंगे. और यहाँ पे काफ़ी सारे लाइव मॉक चलते रहते हैं, छोटे मोटे टेस्ट चलते रहते हैं जिसको आप कभी भी कहीं भी दे सकते हैं, और जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड रहते हैं. इन सब के अलावा इससे भी अच्छी ये बात है कि यहाँ पे आपको कुछ फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं. अगर आपको जमता है ये प्लेटफॉर्म देन डेफिनेटली आप इसके साथ जाइए. बट 299 में लेने के लिए आपको मेरा कूपन कोड लगाना पड़ेगा जो कि है PRW20, तो ये लगा लीजिए एंड उसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं. सो अब फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले पेपर लेवल की बात करें तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मॉडरेट कह सकते हैं, बिल्कुल ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट था पेपर. रीजनिंग वॉज वेरी मच ईजी. तो सबसे पहले मैं अपने अटैम्प्ट की बात करती हूँ, तो मैंने 86 अटैम्प्ट किए. अब ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किए, बट येस मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ उतना अटैम्प्ट करने के बाद कि हाँ 86 है, मुझे ठीक लगा मतलब. और रेगुलर बेसिस पे गलती होती तो 12-13 क्वेश्चन मेरे हमेशा गलत जाते हैं. मैंने कुछ इतने खास तरीके से अभी इतने पास से सोचा नहीं, बट हाँ मैं इमेजिन करके चल रही हूँ कि 12 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं. तो आई एम एक्सपेक्टिंग 140 प्लस मार्क्स, बट आई डोंट नो क्या हो जाए, इसलिए मैं कुछ भी कमिट नहीं कर रही यहाँ पे. मेरा बस जो रिव्यू है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं बस वो बता रही हूँ. मेरे को ऐसा लग रहा है 140 प्लस हो सकते हैं, बाकी तो मैं गलती बहुत करती हूँ, बट ठीक है मैं अच्छे से पेपर करके आई हूँ. अब बात करते हैं रीजनिंग की. रीजनिंग वॉज वेरी मच ईजी. रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को एकदम लास्ट में एक फिगर देके जाऊँगी, वो फिगर मेरे एग्जाम में आया था. आप लोग बताइएगा कि उस फिगर में कितने ट्राइंगल है, मैं लास्ट में शो करूँगी. रीजनिंग एग्जाम बहुत ईजी था. आई अटैम्प्ट 25 ही मैंने अटैम्प्ट कर दिए. एक में मेरे को डाउट था तो एकदम सेकेंड्स बचे हुए थे, लाइक 2 सेकेंड बचे हुए थे, तो मैंने उसमें तुक्का लगा दिया क्योंकि उसके बाद वाले सारे स्क्वायर थे और एक स्क्वायर नहीं था, तो मैंने उसमें तुक्का लगा दिया. मुझे नहीं पता वो सही जाएगा कि नहीं जाएगा. और एक काउंटिंग फिगर वाले में मेरे को डाउट है, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी. आप लोग बताइए कितने हैं. मेरा आंसर 10 था उसका, मैं उतना दिमाग नहीं लगा पाया क्योंकि लास्ट के कुछ टाइम बच रहे थे, इसीलिए तो मैंने 10 मार्क कर दिया उसमें. तो एंड बात करते हैं देन इंग्लिश की. तो इंग्लिश मैंने अटैम्प्ट किया था सेकंड, एंड इंग्लिश में आई अटैम्प्ट ओनली 22 क्वेश्चन. मैंने क्लोज टेस्ट में, मतलब बाकी सब मैंने अटैम्प्ट किया, बस क्लोज टेस्ट के मैंने सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट किए. क्लोज टेस्ट बहुत अजीब था, मेरे को मतलब ही समझ नहीं आया कि पैरा बोल क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया पैरा में. 2 मैंने थोड़े थोड़े तुक्के लगा दिए, और 3 था मैं नेगेटिव नहीं करना चाहती थी ज़्यादा कि मार्क्स फिर 28-20 पे पहुँच जाए इंग्लिश में, क्या मतलब. तो इसलिए फिर मैंने वो 3 में तुक्के लगाए नहीं. अब ठीक है, मतलब इतना चाहिए मेरे को इंग्लिश में कि हाँ मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए 35 प्लस. बट काफ़ी सारे क्वेश्चन में इधर उधर से लगाए हैं. इंग्लिश वॉज आई थिंक आई कैन से कि मॉडरेट था, बिल्कुल भी ईजी साइड तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन थे कि आप इजीली कर सकते, तो मैं मॉडरेट कहूँगी इंग्लिश का पेपर. रीजनिंग वॉज वेरी मच ईजी, इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट. बात करते हैं मैथ्स की. तो मैथ्स में देखो जैसा बोल रहे थे ना, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव था पेपर, बट ऐसा है ना कि एकदम बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन नहीं है. और मैं जैसे कि मान लो मेरे को 116 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, 116 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको कैलकुलेटिव नहीं बोल रही हूँ, मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही जो भी है, मतलब ऐसा नहीं कह रही. तो ऐसे करके कैलकुलेशन थे, तो इस टाइप के कुछ कैलकुलेशन आंसर भी ईजीली आ गए. मैथ्स में क्या हुआ ना कि अब मैं ना बहुत ज़्यादा घबरा गई, मतलब मेरा हमेशा का है पता ही, मैं पैनिक कर जाती हूँ. तो मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किए, 2 क्वेश्चन मेरे रह गए. एक में मैंने बिल्कुल तुक्का लगा दिया है, और आई थिंक वो सही है, मैं फिगर उसका ड्रॉ नहीं कर पाई, लेकिन सही है वो क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है. तो 23 मैंने कॉन्फिडेंट के साथ किए हैं, सिली करने की मेरी आदत ही है, तो मैं उसमें कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह रही 100% सही है, बट हाँ अपनी तरफ से मैं 23 एकदम अच्छे से करके आई हूँ. 2 क्वेश्चन में क्या हुआ, एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा मॉक में जैसे कर लेती थी, बट वहाँ पे ना मेरे से आंसर ही नहीं आ रहा, मतलब पता नहीं क्या हुआ आंसर ही नहीं आ रहा था. और एक था सर्कल का फिगर वाला, मेरे से फिगर ही नहीं बन रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा था, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया. और एक मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा उसका आंसर नहीं आ रहा था, मे बी शायद क्वेश्चन गलत था या फिर मेरे से नहीं हो रहा था, मुझे नहीं पता. तो 2 क्वेश्चन मैथ्स में छोड़े, तो मैथ्स का अटैम्प्ट इज 23.
बात करें जीके के, जीके मॉडरेट था, सबने ऐसा बोला। बात हुई बाद में थोड़े लोगों से तो सबने मॉडरेट बोला, मैंने फिर रिव्यू भी देखा आते ही तुरंत, तो सबने मॉडरेट बोला। बट मुझे ऐसा क्वेश्चन देख के लगा ना कि इतना कोई टफ भी नहीं था, मॉडरेट भी मेरे को ठीक ठाक लगा मतलब। लेकिन मैं सिर्फ 17 अटैम्प्ट कर पाई क्योंकि मैं जीके लास्ट मोमेंट पर इतना रिवाइज नहीं कर पाई थी क्योंकि सब कह रहे थे बार बार मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तो मैंने मैथ्स पर बहुत ज़्यादा इस बार ध्यान दिया, रीजनिंग पर नहीं। इस बार सबसे ज़्यादा फोकस मेरा मैथ्स के ऊपर था एंड इस रीज़न से इंग्लिश का मेरा लास्ट टाइम आते आते ना इंग्लिश के मार्क्स काफ़ी कम हो गए थे। आपको पता ही ऑलरेडी 30-35 चल रहे थे, बट कभी कभी ऐसा होता था मॉक में 28 भी हो जाते थे कभी कभी इंग्लिश में। बट जब टफ इंग्लिश होती थी, ये वाली इंग्लिश उतनी टफ नहीं थी, तो मुझे लगता है 35 प्लस हो जाएंगे। मैं कुछ कमेंट नहीं कर रही, जस्ट अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ, बाद में बोलना मत आपने तो ये बोला था, ठीक है? तो ऐसा था तो ठीक है, तो इंग्लिश में ये था। एंड जीके में मैंने 17 अटैम्प्ट किए, जिसमें से श्योर तो मैं किसी को लेके नहीं हूँ, बट मैंने तुक्के भी बहुत सारे लगाए हैं उसमें, और बस इतना ही, और कुछ तो ऐसा नहीं, ठीक है? ओके, सो अब क्वेश्चन ये है कि मेंस की तैयारी करूँगी या नहीं करूँगी, तो डेफिनेटली आई थिंक करना चाहिए। जो भी अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 125 भी प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर मेंस, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखने के बाद आई गेट टू नो कि देखो अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट है और एक लेवल आ चुका है, किसी भी रीज़न से एग्जाम खराब चला गया, तो ये वो टाइम है ना कि जैसे ही मेंस की डेट आएगी, जैसे CHSL की डेट आ गई और टाइम नहीं बचा है, ऐसी मेंस की डेट आ जाएगी तो टाइम नहीं बचेगा। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर मेंस, एंड अगर नहीं भी है तो आप आगे के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि देना तो है ही एग्जाम। अगर इतनी मेहनत कर ली तो पीछे तो कोई नहीं हटने वाला, इतना तो मैं श्योर हूँ। और SSC में एग्जाम है तो मैंने एक ही चीज सुनी है, मतलब जितने लग गए लोग या जो कर रहे तैयारी, या मैं भी आज के लेवल पे यही करूंगी कि SSC ऐसा एग्जाम है ना, इसमें लगे रहो, कभी ना कभी तो होगा ही होगा सिलेक्शन, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि रिपीटर तभी कहते हैं ना, बार बार कर करके कभी ना कभी लगोगे एग्जाम में, तो ये है। तो इसीलिए आई थिंक मेंस के साथ जाना चाहिए जो भी 125 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड इसलिए मैं भी मेंस के लिए प्रिपेयर करूँगी। और फिलहाल अभी टाइपिंग के लिए मेरे को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को टाइपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं मेरे से टाइपिंग होती भी नहीं है, मेरे हाथों में कुछ खराबी है, मुझे नहीं पता, मेरे से टाइपिंग होती ही नहीं है। मतलब मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मार्च से मैंने सोच रखा टाइपिंग करूँगी। एक तो मैं रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाती, मैं टाइपिंग को प्रायोरिटी पर कभी नहीं रखती थी एंड नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ अभी सोचने वाली हूँ। या तो एकदम फिक्स बांध के ही 2 घंटे प्रैक्टिस दोगे तभी हो पाएगा ये चीज़। दूसरा कंप्यूटर के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बाकी तो सारे सेम सब्जेक्ट है। सो इफ़ यू वांट, मैंने अपने लिए स्ट्रेटजी अभी जस्ट रात में बैठ के बनाने वाली हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, और आई थिंक एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद फिर कल ही से या परसों से मैं लग जाऊँगी। कल थोड़ा सा मुझे कॉलेज का काम है, क्योंकि मेरा रिजल्ट आया था एंड तब से इतनी हड़बड़ी चल रही है, मतलब जून से कंटिन्यूसली। मई में मेरे कॉलेज के एग्जाम हुए, देन जून में फिर फेस के एग्जाम हुए, जुलाई में CHSL के एग्जाम हुए, और एग्जाम के बाद तो मेरा हाल पूछो मत, तमाशा हो गया था। 18 जब आंसर किया उसके बाद तो तमाशा हो गया था, एंड तब से मैं लग चुकी थी एकदम CGL के लिए, मैं डिप्रेशन में थी एकदम, तो मेरे को कुछ होश नहीं था। तो मेरे को कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, फिर इन यूनिवर्सिटी जा वगैरह के, तो अभी कुछ 2-3 दिन मैं उसी में बिजी रहने वाली हूँ। सो ठीक है, 1 अक्टूबर से कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि मैं स्ट्रेटजी अपनी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, डेफिनेटली मैं एडवाइस नहीं दे सकती, गाइड नहीं कर सकती, बट या मैं शेयर कर सकती हूँ कि हाँ मैं ये करने वाली हूँ। इफ़ यू वांट देन डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं बहुत जल्द वो भी वीडियो लेके आ जाऊँगी आपके लिए। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ लाइफ में अब समझ गई कि डरने से तो कभी कुछ नहीं मिलने वाला, कभी कुछ नहीं मिलने वाला। जब साथ में मैंने जब पेपर अभी, क्योंकि CHSL के साथ में जब सीन होने के बाद से ना मेरा कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं जीरो हो चुका था, मतलब जीरो। मेरे को खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। मतलब कल रात के 8 बजे तक भी मेरे को बहुत डर लग रहा था। सुबह उठी ना, कुछ अलग ही एनर्जी लग रही थी अपने अंदर, ऐसा लग रहा था भगवान जी मेरे साथ है, ये वाली फीलिंग आ रही थी। और सेंटर में जब मैं बैठी हुई थी एग्जाम सेंटर में, एग्जाम स्टार्ट होने 20 मिनट थे, मैं मुस्कुरा रही थी, मैं खुश थी बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था भगवान जी मेरे साथ है, एकदम बोल रखा है कि बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, ये वाली फीलिंग बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी इस बार, पता नहीं क्यों एग्ज़ाम के साथ। फिर जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ ना, तो तब भी मैं ठीक थी, बट मेरे हाथ से ना पसीने आने लग गए, मेरा पेन मेरे से, क्योंकि पेन पसीने आया तो पेन नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी क्योंकि CHSL वाला सीन हुआ ना, तो तब से थोड़ा सा डरती हूँ कि मैं डर के मारे सब खराब ना कर दूँ सब कुछ। तो पैनिक करने की जो आदत है, पता नहीं आदत कब जाएगी, बट ठीक है। तो पूरा पसीने आने लग गया, मेरा पेन स्लिप हो रहा है हाथ से, फिर थोड़े देर हाथ कांप रहे, मतलब पेन ही नहीं चल रहा है, ये वाली सिचुएशन हो रही है। बट 10 मिनट बीते और मैंने रीजनिंग के 19 क्वेश्चन कर लिए थे, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया कि ये तो घर वाला माहौल हो रहा है। फिर मैं इंग्लिश पे गई, तो 42 होते होते मैंने इंग्लिश में किए, लेकिन इंग्लिश में मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी, ओनली 16 अटैम्प्ट किए थे मैंने उस टाइम तक। एंड उसके बाद फिर मैंने कहा चलो इंग्लिश छोड़ो, फिर मैं जीके पे गई, जीके भी मॉडरेट लगी, बट जीके से मैंने इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करी क्योंकि सब बोल रहे थे कहीं से भी पेपर आ रहा है, तो इसलिए लास्ट मोमेंट में मैंने जीके पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया।
एंड उसके बाद फिर मैं मैथ्स पे गई। मैथ्स के एक के बाद क्वेश्चन करती गई तो होते गए, लेकिन इस बार जैसे सब कह रहे थे और ये चीज़ है, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन मान लो 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूसली 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, मैं डायरेक्ट 15 नंबर के क्वेश्चन पे कूद जाती हूँ और फिर वहाँ से करना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है स्टार्टिंग के अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं तो 20 से कहीं से भी स्टार्ट करके आगे करते चले जाओ, फिर वापस से स्टार्ट करके दोबारा से इन क्वेश्चंस पे आना। तो ऐसा किया मैंने, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन स्किप करने पड़े तो फिर मैं डरने लग गई थी, लेकिन डायरेक्ट स्किप करके मैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे आ गई। फिर 1 by 1 सारे क्वेश्चन होने लग गए। पूरा पेपर मेरा मैथ्स में मैंने शायद से 14 अटेम्प्ट किए थे और 20 मिनट बच रहे थे मेरे पास। फिर मैं फटाफट से रीजनिंग पे गई, रीजनिंग के जो 6 क्वेश्चन थे वो किए मैंने, तो फिर शायद मेरे पास 17 या 18 मिनट बचे थे। देन फिर मैं इंग्लिश पे गई क्योंकि पेपर बहुत सारा तब भी रह रहा था मेरा, फिर मैं इंग्लिश पे गई, इंग्लिश मैंने फटाफट से अटेम्प्ट किया तो आई थिंक 12 या 11 मिनट ऐसे कुछ बचे हुए थे। देन मैं मैथ्स पे गई और फिर 10 मिनट में, सोचो वो टफ क्वेश्चन जो मेरे से स्टार्टिंग में नहीं हो रहे थे लास्ट में आराम से हो गए, बस 2 क्वेश्चन लास्ट में बचे रह गए थे जो मैं छोड़ के ही आ गई। सो ये पूरा रिव्यू था मेरा एग्ज़ाम का। अगर आप लोगों का इस शिफ्ट में था तो डेफिनेटली बताइएगा कि अटेम्प्ट ठीक है। डर तो मन में अभी भी लगता है कि सही है कि नहीं है, क्योंकि मतलब ठीक है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी चीज़ें। उम्मीद रख रखी है मैंने, क्लियर जेन्युइन नहीं बता रही हूँ, मेरे को उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हाँ इस बार ये हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी मेंस के लिए तैयार हो गई हूँ कि हाँ मेंस में भी जी जान लगा देनी है, इस तरह का सीन है। बस ठीक है, होप सो कि हो जाए, बेइज्जती ना हो दोबारा से मेरी, क्योंकि मैंने तो अपना 100% इस बार दिया था। पिछली बार थोड़ा सा मतलब पहले CHSL के पहले मैंने बताई भी थी, मैंने ये वीडियो शेयर किया था, छोटी मोटी गलती मैं करती थी, इस बार मैंने बिल्कुल नोट्स नहीं छोड़े। और इवन आप लोगों को अगर बताओ, मैंने पॉलिटी के कल ही ना, पॉलिटी के मैंने आर्टिकल कल 1 से लेके 150 तक मैंने कंप्लीट सारे रट लिए, एकदम मेरे को रट गए पूरे के पूरे आर्टिकल्स कल बैठ के 1 से लेके 150 तक, फिर भूल जाऊंगे पता है मुझे, लेकिन आज के लिए रटे हुए अभी तक। एंड उसके बाद फिर मैंने छोटे मोटे बहुत सारे आर्टिकल्स बैठ के रटे, लेकिन आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं आया, तो ऐसा है GK का सीन। बट मैंने रटे किया था, मेहनत करी, बस होप्स हो कि एग्ज़ाम में रिजल्ट है और अच्छा आ जाए। आप लोग बताइए आप लोग का अटैम्प कैसा था, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट भी करूँगी, बताना ऑन एन एवरेज कितना अटैम्प था, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड दैट्स ऑल। सो यही फिगर मेरे एग्जाम में आया था, बताइए इसमें आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं। मेरा तो आंसर 10 आया था, तो हड़बड़ी थी तो ज्यादा अच्छे से नहीं देखा। अब बताइए इसमें कितने ट्राइंगल आए हैं।